कैसे चमक गई। ये हमारी ट्यूबलाइट आ चुकी है गर्लफ्रेंड से बात करते हुए। अच्छा गर्लफ्रेंड नहीं है, ठीक है। अभी हम गाय को चारा देने वाले हैं और हम भैंसों को निलाने वाले हैं। हमारा कैमरा आज संभालने वाला है हमारा आदित्य। आदित्य बोल रहा है कि मैं चिकना हो रखा हूँ इसलिए मेरा फेस मत दिखाओ। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो कैमरामैन बन जा। बिल्कुल मजे ले लाइफ के। हाँ। ईट स्लीप ट्रैवल एंड रिपीट। हाँ ये तो जरूरी है। हाँ ये बहुत जरूरी है। होटल शांति प्लीज। हमारा छोटा सा गाय का नाम है। आ जाओ आप लोगों को दो बच्चों से मिलाते हैं। हमारे दो बच्चे हैं। चारा खाना पसंद करेंगे आप लोग? देखो चारा के लिए ऐसे कर दिए। यू वांट चारा? ओके चलो उधर हो जाओ। उधर उधर एक और चीज, अपने भारत में मोस्टली लोग है ना गाय को चारा खिलाते हैं, लेकिन एक चीज जरूर याद रखे कि डायरेक्ट है ना ये डायरेक्ट नहीं देनी चाहिए। इसके अंदर गैस भरी हुई होती है, तो कोशिश करो कि इसको ऐसे थोड़ा और ऐसे बिखेर के दे दो। हाँ भाई सब ठीक चल रहा है, मजा आ रहा है। आज मैंने सोचा यार कोई कंटेंट तो मिल नहीं रहा, ये बना लेते हैं। उस भाई को बोला मैंने कि भाई मैं चारा में डाल दूंगा, मैं कर दूंगा सारा काम, वो भी खुश हो गया। तो चलो इनको दे दिया हमने अभी फ्री, हम चलते हैं भैंसों के पास। मुझे दो बाहर देखी थी ना, उनके दो बच्चे, ये एक्स्ट्रा में है। ओके तो पहले आप नहाना पसंद करेंगे? ये खाना पसंद करेंगे। हेलो बोलो। हेलो। अरे हाँ ठीक है, फ्रेंड बना लो ना मेरे को। बना लिया। बना लिया। हाँ अरे शांत आजा। चलो मेरे को फास्ट लाइफ से ज्यादा ये देसी लाइफ ज्यादा पसंद है, पता नहीं क्यों। पर है जिम जाने की जरूरत ही नहीं, इनके साथ ही वर्कआउट कर लो। अब बोल रही है अब दौड़ा मेरे को कितना दौड़ा ये। अब हमारा कैमरा जो है ये बच्चे। बाय ठीक है सी यू मिलते हैं। मेरे भी देख रहे हो वर्कआउट हो गया मेरा तो पूरा। रेडी यार नाना चाहते हैं, देखते हैं इनको पसंद आता है नहीं आता है। आ रहा है। आप लोगों को एक बात बता दूं, भैंसों को नाना बहुत पसंद है, इसको मजा आ रहा है। मजा आ रहा है भाई, वो भी यही नहाने। देख बोल रही इस साइड से निला मेरे को। अब इनको इनको भी दिला देते छोटे वाली को। हाँ ना आपको आओ। मेरा कैसे कर रही थी, इनको मजा आ रहा है यार। है उनको भी नाना है, ये नाना है इनको नहीं नाना है। एक अलग ही एक्सपीरियंस है यार लाइफ का। हाँ ठीक है ठीक है, इनको मजा आ रहे नहाने में। भैंसों को नहाना बहुत पसंद होता है। नहीं नहीं बीमार हो जाएगी, उधर चमकती है पानी से। अरे बोल रहा हूँ नहीं बीमार हो जाएगी छोटे बच्चे के। अब तो खुश फीलिंग मोशन। ओ भैंसे भैंसे देखा कैसे मारने के लिए आती है। बुरा लगा क्या? और नहीं लम यू वांट और नाना? अरे इतना गुस्सा इतना गुस्सा इतना फ्रेंड 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 जोन फ्रेंड जोन फ्रेंड जोन नो फ्रेंड जोन लड़ाई जोन लड़ाई जोन लड़ाई जोन कैसे मारती देखना। चल चल।
खाने का थोड़ी ना याद, कभी तो लड़ाई करते हो कभी दोस्ती करते हो, समझ में नहीं आता क्या करना चाहते हो। अच्छा दोस्ती करके मारना चाहते हो पास में बुला के। अच्छा नहीं नहीं इतनी चालाक पंजी नहीं, हम आपकी रगरग से वाकिफ है, ठीक है समझे 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 समझे। अम्मा तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को? हर तरीके के ब्लॉग्स आएंगे इस मेरे 365 में। मजे कर रहे हैं, मजे को चुको के मेरे को भी खाना है, मैं भी खा लूँ। खा लूँ क्या? ओहो तेरा इतना बड़ा मतलब मुँह ही नहीं है जितना बड़ा तूने घासा खा लिया है पागल। ओ पागल जप्पी और उसके बाद में पप्पी। और सब बढ़िया, पैर बाहर पैर बाहर पैर बाहर। हाँ अब खाओ। हाँ मैडम सब बढ़िया, आनंद मंगल, कोई दिक्कत तो नहीं? अरे दिक्कत, इसको दिक्कत है, क्या दिक्कत है वैसे? नहीं बताओगे, बताएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, मारेंगे आप हमको, मारेंगे आप हमको, मारेंगे मारेंगे, क्यों मारेंगे पता नहीं, बताओ नहीं बताएंगे, बता दो यार। तो आज पता नहीं क्यों बस मुझे लगा कि कुछ ऐसे ही ब्लॉग बनाना चाहिए, क्योंकि आज मैं कहीं बाहर तो जा नहीं पाया, ठीक है ना, मुझे भी एक ब्रेक मिल जाएगा, ये जल्दी से जल्दी एडिट भी हो जाएगी, अपलोड भी हो जाएगी, मुझे थोड़ा सा और टाइम मिल जाएगा, क्योंकि अभी मेरा दिन का शेड्यूल है ना बहुत ही बिगड़ा हुआ आ रहा है। वो ऐसा आ रहा है कि मैं सुबह उठता हूँ, कॉन्टेंट के लिए सोचता हूँ, निकलता हूँ, बना के आता हूँ, दिन तक घर पर आता हूँ, एडिट करता हूँ, खाना वाना खाता हूँ, शाम तक अपलोड करता हूँ, बस यही रूटीन चल रहा है, तो इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ। मैंने 365 डेज का जो चैलेंज लिया है वो धीरे 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 मेरे उसमें शेड्यूल में आ रहा है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। और एक और बात, अगर ऐसा कोई बच्चा है आपके पास, अगर आपको भी गाय का या फिर ऐसे कोई शौक़ है, तो आपको क्या करना चाहिए, जो बच्चा होता है ना उसको डेली डेली ऐसे पकड़ के ऐसे और ऐसे उठाना चाहिए। इससे क्या होगा, अगर आप डेली डेली ये चीज़ करोगे ना, तो ये तो बड़ा होता रहेगा लेकिन आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, जब ये बड़ी हो जाएगी ना तो भी आप उठा लोगे। इसके साथ भी कर सकता था लेकिन ये क्या उछलती है, बैलेंस नहीं बनाती, ये बैलेंस बना देती, देखो ऐसे, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को पता है आप लोगों को क्या करना है, बोल दो इनको एक बार, चाओ बेलो चाओ बेलो चाओ चाओ चाओ, जय भोलेनाथ, बूम।